नमस्कार, मैं आनंद राम, आप सभी म्यूजिक लर्नर्स कलाकारों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे अपने इस चैनल पर जिसका नाम है सुरभि स्वर संगम। तो हारमोनियम के लेसन नंबर 3 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी तक हम लोगों ने इंट्रोडक्शन इन्वेंशन के बारे में बात किया था और एक बेसिक सी मैंने हैंड प्रैक्टिस आपको लेसन नंबर 2 में बताई थी। तो आज से हम लोग पलटे बजाना शुरू करेंगे और टोटल जो पलटे रहेंगे वो हारमोनियम पर पूरे 45 पलटे मैं आप लोगों को बजाना बताऊंगा किस तरीके से हमको वो 45 पलटे बजाना है, किस तरीके से उन पलटों को बजाते वक्त आपकी फिंगर की पोजीशन रहेगी, ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान से देखना है। जिन लोगों को नहीं पता कि 45 पलटे कौन से हैं उसका मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया था जब मैंने बेंजो के ट्यूटोरियल शुरू किए थे, तो आप लोग मेरी प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पर देख सकते हैं, पलटे वाली प्लेलिस्ट है, वहाँ पर आपको वो वीडियो मिल जाएगा जहाँ पर मैंने पूरे 45 पलटे आप लोगों के लिए डिज़ाइन करके रखे हुए, ठीक है। तो वो 45 पलटे हम लोग बजाने वाले हैं। उससे पहले बजाने से पहले आपको ये समझ में आ जाना चाहिए, जो पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को, जिन लोगों को नहीं पता है कि पलटा क्या होता है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि किसी भी रचना को उलट पुलट करके संजोना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पलटा बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमारे संगीत में 7 सुर होते हैं, सारे गामा पधनी, तो इन 7 सुरों को हम लोग अलग अलग तरीके से कॉम्बिनेशन इनके बनाएंगे तो अलग अलग प्रकार की मेलोडी क्रिएट होगी और यही मेलोडी कहीं ना कहीं गाने के रूप में, कहीं ना कहीं भजन के रूप में और कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार की म्यूजिक कंपोजिशन के रूप में उभर कर सामने आती है, ठीक है ना। तो इसीलिए पलटों को बजाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और पलटा बजाने से आपकी जो फिंगर है वो जो आपका इंस्ट्रूमेंट, जिस भी इंस्ट्रूमेंट को आप बजा रहे हैं उस इंस्ट्रूमेंट को बजाते वक्त आपका जो फिंगर है उसके साथ एक फैमिली जैसा संबंध उसके साथ हो जाएगा, ठीक है ना, और एकदम फैमिलियर हो जाएगी उस इंस्ट्रूमेंट के साथ आपकी फिंगर और आप की जो फिंगर है कहीं भी अटकेगी नहीं बजाते वक्त। लोग बोलते हैं कि सर हमारी उंगलियाँ अटकती है या हम लोग किस तरीके से फास्ट फिंगर बजाएं हारमोनियम पर, तो ये सारी समस्याओं का हल पलटा बजाने में ही है, तो इसलिए हमको पलटा बजाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन पलटों को किस तरीके से बजाना है, क्या हमारी फिंगर पोजीशन रहती है, वो उस चीज़ को भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। तो आज मैं आप लोगों के लिए इस लेसन के माध्यम से पलटा नंबर 1 से पलटा नंबर 8 तक के सारे पलटे मैं आपको बताऊंगा और उन पलटों को किस तरीके से बजाना है ताल को ध्यान में रखते हुए, लय को ध्यान में रखते हुए, वो मैं आपको बताने वाला हूँ अभी, ठीक है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं बिना देरी करते हुए किस तरीके से उन पलटों को हम लोग बजाएंगे। पहला नंबर का पलटा है हमारा, आप लोग देख सकते हैं, सिंपल सा पलटा, सारे गामा पधा निसा, आपको मैंने ऑलरेडी बता ही दिया था। खैर, तो उसको किस तरीके से हम लोग बजाएंगे, उठाकर उंगलियां, ये तो सिंपल पलटा था, ठीक है। अब दूसरे पलटे में हम लोग क्या कर रहे हैं, एक स्वर को हम लोग दो बार बजा रहे हैं, क्योंकि पलटा का मतलब यही होता है, कभी स्वरों की पुनरावृत्ति करना तो कभी उन कॉम्बिनेशंस, अलग अलग तरीके कॉम्बिनेशंस बनाना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पलटा बोलते हैं। तो अभी हम लोग एक स्वर को दो बार बजाएंगे, लेकिन स्वर को जब हम बजा रहे हैं तो आपकी उंगलियां उठेगी, ठीक है ना। थर्ड पलटा है हमारा, अभी धीरे धीरे जैसे मैं 8 पलटों तक जाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि ताल के साथ भी किस तरीके से उनको, ताल को दिमाग में रख के उन पलटों को आपको बजाना है, ठीक है। इसलिए आप लोग बिना स्किप करे पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अभी तीसरे में हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, ये हो गया हमारा तीसरा पलटा। चौथे पलटे में हम लोग 4 बार बजाएंगे, तो यहाँ पर आप लोग कैरवा ताल को दिमाग में रख सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि कैरवा ताल में 4-4 का विभाग होता है। अभी आपको अपने हिसाब से लय लेना है, उसमें अभी केवल प्रैक्टिस करनी है आपको, ठीक है। मैं बाद में आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको मेट्रोनियम के साथ इसको अभ्यास करना है। अभी जब पांचवा पलटा जब आ रहा है, आप लोग ध्यान से समझिएगा इसको, पांचवे पलटे में हम लोग एक स्वर को 5 बार बजाएंगे,
लेकिन जब हम बजा रहे हैं उसको 5 बार, तो आपको इसको तोड़ना है 2 और 3 के विभाग में। जैसे सा 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 5 बार है, ठीक है ना, तो उसको हम लोग क्या करना है, सा 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 सा, ठीक है। और हर पहले सा पे आपको, हर विभाग के पहले सा पे आपको क्या करना है, उसको फोर्स देके बजाना। जैसे सा 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 रे 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 गा 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 गा, इस तरीके से आपको तोड़ना है, ठीक है। और यही ध्यान में रखते हुए आपको बजाना है, तो इससे आपका झपताल का जो इसमें विभाग होता है झपताल में, उसका भी आपका अभ्यास होगा, ठीक है, झपताल के साथ। फिर इसका अवरोह, तो ये तो हो गया हमारा 5वां। अब 6 वाले पलटे में हमको 3-3 के फ्रेज बनाने, सा 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 सा। तो हर एक मतलब पहले सा पे आपको फोर्स देना है, उसके बाद 2 सा निकलने के बाद फिर से आपको चौथे वाले सा पे आपको फोर्स देके बजाना है। ठीक है, नेक्स्ट पलटा है हमारा 7th नंबर का। यहाँ पर आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा, पहले 3 सा, फिर 2 सा और फिर 2 सा, ठीक है। तो ये कैसे जाएगा इसका टोन, सा 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 रे 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 रे, ठीक है ना, 3-2-2 के छंद में आपको डिवाइड करना है इसको। आइए शुरू कर दें। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी रूपक ताल तैयार होगी इस पलटे को बजाने से, ठीक है। तो इस छंद के साथ ही आपको बजाना है ये पलटे। और बाकी जो नेक्स्ट वाला पलटा है हमारा, पलटा नंबर 8, उसमें आप लोग या तो उसको 3 ताल के फ्रेज 4-4 के विभाग में आपको उसको तोड़ के बजा सकते हैं। तो कैसा होगा, सा 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 रे 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 रे, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। इस तरीके से आपको ये 8 पलटों का अभ्यास करना है। इन 8 पलटों को जिस तरीके से मैंने आपको बताया है, अलग अलग छंद में आपको इसको डिवाइड करना है और उसके साथ दिमाग से सोचकर उसको बजाना है। यहाँ पर आपकी ताल के साथ पलटों का अभ्यास होता है और ताल आपकी सही होती है, उस ताल का जो भी छंद है वो आपको समझ में आने लगेगा। जिन लोगों को ताल के बारे में भी नहीं पता है वो भी बिल्कुल निश्चिंत रहिए, उसके ऊपर भी मैंने वीडियोस बना रखे हैं। आप लोग मेरी प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर ताल वाले वीडियो में जाइए, वहाँ पर सारी तालों का आपको इंट्रोडक्शन जानने को मिलेगा और किस तरीके से उसको अभ्यास करना है वो भी आपको पता लगेगा, ठीक है। और जो बिगनर्स है वो तो अभी जिस तरीके से मैंने आपको बताया है उसी तरीके से आप लोग इसका अभ्यास करिए, ठीक है। छंद को दिमाग में रखिए, अभी ताल नहीं भी पता हो तो भी आपको केवल उसका जो टोन है मैंने जो बताया आपको, उस तरीके से आपको उसका अभ्यास करना है। आगे जाके मैं इसको और डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। तो जो लोग नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन बेल पर ज़रूर क्लिक करें, ताकि आने वाले वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपको तुरंत मिल सकेगा।